साथियों नमस्कार, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, हम लोगों ने अभी तक चर्चा किए हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा सुजोग थेरेपी, और इस थेरेपी के बारे में बहुत सारे अलग अलग विषयों पे हमने 6 एपिसोड आपका सीरीज हम लोग दे चुके हैं इसमें, और आज हम आपके लिए 7 नंबर अगला सीरीज जो दे रहे हैं, जो कि हमारे लोअर एब्डोमिनल के लिए है, उदर संबंधी विकारों के लिए हम कहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कब्ज के लिए, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा आज के इस एपिसोड में करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग बड़े ध्यान से इस एपिसोड को देखिएगा, और देखिए नहीं बल्कि अपने हाथ में इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके फायदा ये होगा कि आप सीख जाएंगे आप, और हमारा उद्देश्य आपको सिखाना है, और आप सीखते हैं तो निश्चित तौर से मुझे खुशी होगी कि आप इस ज्ञान को पा करके खुद भी अपना उपचार करने में सक्षम हो पाएंगे और अपने घर परिवार का भी उपचार कर पाने में सक्षम होंगे। साथियों, लगातार हम लोग जो है सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी के बारे में चर्चा कर रहे थे। विगत जो 6 हमारे एपिसोड है, सीरीज है, उसमें हमने एक्यूप्रेशर के बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा किए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे सादृश्यता के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए, इसमें लोअर एब्डोमिनल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के सीरीज में हमने अपर एब्डोमिनल के बारे में विस्तार से चर्चा किया था 6 नंबर सीरीज पे। इसमें हमने डायफ्राम जो बनाए थे, एक बार पुनः फिर से देख लें आप, हमने डायफ्राम जो बनाए थे ऊपर के हमारे इस जो मणिबंद कहते हैं कलाई वाले पाक को हमने बनाया था, और बीच में सेंटर से हमने स्टमक लेफ्ट साइड से टर्न करना था आपको, स्प्लीन उसके बगल में हमने चर्चा किया था बनाया था आपको, थोड़ा सा लंग्स से हल्का ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, और राइट साइड लेफ्ट हैंड में ये किनारे का भाग पूरे लीवर का भाग था, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर, जिसके बारे में चर्चा किए थे, और उसी लीवर के अंदर में है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय कहते हैं इसको, और स्टमक के नीचे जस्ट सेंटर से आपके लेफ्ट साइड ये है पेंक्रियास। साथियों, इसको हमने कहा था अपर एब्डोमिनल, ये अपर एब्डोमिनल एरिया है। अब नीचे, इसके नीचे जस्ट हमें यह चर्चा करनी है, वो है हमारा लोअर एब्डोमिनल। इस एरिया में महत्वपूर्ण हम 2 आर्गन को सम्मिलित कर रहे हैं यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन, अच्छा पहले तो होती छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को हम इस एरिया में सम्मिलित करते हैं। 2 पैर 2 हाथों के बारे में चर्चा पूर्व में कर चुके हैं, इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला स्टेप्स। इसमें जो इसका ओरिजिनल फोटोग्राफ आप देख लीजिए, ये भी हमने आपको दिखाया था, ये लीवर स्टमक स्प्लीन ये सब का, और मित्रों ये सब को समझने के लिए ना बॉडी का एनाटॉमी समझना बहुत जरूरी है। ये बॉडी का एनाटॉमी समझने से क्या है, हमें सुजोग को समझने में बड़ी आसानी होती है, इसलिए इस फोटोग्राफ को बड़े ध्यान से आप देखा करें, है ना, या तो गूगल में जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं अलग अलग बॉडी ऑर्गन के बॉडी पार्ट के बारे में। एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल कंडीशन जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके विशेष बॉडी में उसकी स्थान, पर्टिकुलर स्थान सादृश्यता, इसको हमें समझना जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें अगला पार्ट जो है लोअर एब्डोमिनल में, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हमें क्या है, बड़ी आंत को हम लोग दिखाएंगे। आप तो कहेंगे सर इसमें तो सबसे पहले छोटी आंत होती है स्टमक के बाद, जैसे देख पा रहे हैं आप स्टमक हमारा है, आप कर्सर को ध्यान दीजिएगा, ये स्टमक के बाद ये ड्यूडेनम वाला एरिया है, इसके बाद ये इलियम का एरिया जो स्टार्टिंग पार्ट हमारा है, यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाती है, और छोटी आंत जाती है यहाँ पे सीकम पे मिल जाती है बड़ी आंत का फर्स्ट पार्ट, देन शुरू होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत शुरू होती है इस तरह से, और यहाँ से एनस पार्ट से बाहर निकल जाती है। चूंकि ध्यान रखने योग्य बातें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पहले बनता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लार्ज इंटेस्टाइन को पहले बना रहा हूँ, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन पहले बना रहा हूँ ताकि इसकी बाउंड्री वाला एरिया, पर्टिकुलर एरिया मैं कवर कर सकूँ, और बनाने में और समझने में सबसे आसान होता है ये, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन को मैं पहले आपको यहाँ पर बनवा रहा हूँ, और बीच का जो खाली जगह होगा ना उसको हम उस पर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले
यदि आपने पेन निकाल रखे हैं तो अपने हाथ को ऐसे रख लीजिए लेफ्ट हैंड को, और इसमें स्मॉल फिंगर के ऊपर से, अब देखिए स्मॉल फिंगर के ऊपर लगभग सेंटर पार्ट से क्या करना है आपको, थोड़ा ऊपर से सीधी लाइन खींचिए। कहाँ तक खींचना है? लीवर और जो गॉल ब्लैडर उसके नीचे रहनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे आप। और इसमें एक नेवल वाला पार्ट मित्रों ये होता है, देखिए नेवल पार्ट जो है ये है 4, 5, 6, 7, ये वाला नेवल का पार्ट होता है। तो नेवल वाले भाग ध्यान रख लीजिए लगभग सेंटर में आए, इसका हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए। चाहे तो इसमें ये वाला भाग को थोड़ा सा आप ऊपर, हल्का सा ऊपर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा एसेंडिंग कॉलम है, ये ट्रांसवर्स कॉलम है, ये डिसेंडिंग है, ये सिग्मोइड, और ये सिग्मोइड वाला कॉलम, और यहाँ पे रेक्टम एनस पार्ट जो होकर के ये दो पैरों के बीच में आपको निकालनी है, और कहीं पे नहीं, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो आप इतना लाइन तो पहले खींच लीजिए, एसेंडिंग कॉलम खींच लिया आपने, देन आप ट्रांसवर कॉलम खींच लीजिए। जी हाँ, आप वीडियो रोक सकते हैं, रोक करके आप इसको पहले बनाइए, देन इस पर आगे बढ़ाइए। आप इस तरह से आप आगे बढ़ा लीजिए। इसके पश्चात देख लीजिए ये दूसरा फोटोग्राफ जो आपके पीपीटी में स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसमें एक मूवमेंट दिया है, जो हमने लाइन खींचा था ना नीचे से ऊपर, और उसके बाद बिल्कुल पैरेलल जो ट्रांसवर कॉलम है एंड डिसेंडिंग ऊपर से नीचे, और ये था सिग्मोइड, और ये है लास्ट में रेक्टम, और लास्ट में एनस का पार्ट है। साथियों इसका जो एक मूवमेंट है, देख आप ध्यान से देखिएगा गौर से, इसका मूवमेंट अगर राइट साइड इस तरफ है तो लेफ्ट साइड भी ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब है, इसको कहते हैं पैराटेलसिस मूवमेंट। हमारी आंतों में विशेष प्रकार का मूवमेंट है जिससे हमारा मल यहां से खिसकता हुआ बाहर की ओर गति करता है। अगर ये मूवमेंट ना हो तो क्या होगा, इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। व्यक्ति का पेट एक बार में साफ नहीं होगा, दो बार तीन बार जाना पड़ता है, क्योंकि इस मूवमेंट का होना बहुत जरूरी है। और ये उम्र जब व्यक्ति के ज्यादा हो जाता है, 50, 60, 70 हो जाता है, तो ये दिक्कतें थोड़ी सी बनती है, व्यक्ति को एक बार में पेट साफ नहीं होता। ऐसे कंडीशन के लिए आपको इस मूवमेंट को बनाना, और जब अपने हाथें बनाए ना तो इसको बिल्कुल छोटा छोटा मत बनाइए, जैसे आप प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा बड़ा बनाइए। और बड़े ध्यान से देखिए ना, बिल्कुल फोटोग्राफ में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से पहले मूवमेंट एक तरफ का बना लीजिए, देन दूसरी तरफ का मूवमेंट को धीरे धीरे करके आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखें, ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के आकार को इसी प्रकार, इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा मैं। इस पैथी में बिना किसी दवाई के आप फ्री में ही इस अपेंडिक्स के, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, आप सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, आप अगला एक एपिसोड देखते रहिए। आप मैं थेरेपी का जो पार्ट चलेगा उसमें इसकी चिकित्सा जरूर बताऊंगा, क्योंकि लोग इसका थेरेपी कराने के लिए 15 से 20 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार तक देते हैं और इसको काट देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी बॉडी पार्ट है, जबकि साइंस कहता है इसका कोई उपयोग नहीं है। चर्चा करेंगे इस पर हम। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि हम इस जो आपका ये मूवमेंट है, इस मूवमेंट को प्रॉपर बना लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप बना लिए हैं। जी हाँ, अगर थोड़ा बचा है तो उसे पूरा कर लीजिए, और इस तरह से आप मूवमेंट बना लीजिए। और एक बात विशेष ध्यान रखना, पहले भी मैंने अभी जस्ट कहा था कि ये एनस वाला पार्ट, ये दो पैरों के बीच मिडिल, दो फिंगर है ना, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इसके मध्य भाग पे ही निकलनी चाहिए एनस। कुछ लोग ऐसा होता है कि यहाँ निकाल देते हैं, या इधर इंडेक्स फिंगर के बाद, या स्मॉल फिंगर के पास, या कुछ लोग तो पूरा दोनों को जोड़ देते हैं। नहीं, इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। तो आपको जैसे बताया गया है, बड़े ध्यानपूर्वक इस फोटोग्राफ को आप बनाइए, बार बार बनाइए। कहा गया है अभ्यास ही गुरु है, यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपको समझ आएगी और सही तरह से आप इसको समझ पाएंगे। तो ये आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत कहते हैं इसको। अच्छा, इसका ओरिजिनल फोटोग्राफ देखें कैसा लगता है, देखिए जरा आप, है ना मज़ेदार। आप इसको देखिए, ये देखो अपेंडिक्स पार्ट, मैंने कहा ना ये स्टार्टिंग पार्ट है, और ये वाला जो फर्स्ट मूवमेंट दिया है इसी का नाम सीकम है, यहीं पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ता है। अभी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। ये एसेंडिंग है, ये ट्रांसवर कॉलम है, और ये डिसेंडिंग है, ये सिग्मोइड, और ये आपका जाकर के यहाँ पे रेक्टम वाला पार्ट है, एनस पार्ट यहाँ पे आता है। रेक्टम ये वाला भाग है और एनस टॉप पर, ये पांच भागों में डिवाइड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। इसका महत्वपूर्ण काम साथियों एक तो होता है, जो बची हुई ज्वल होता है उसका एब्जॉर्बेशन होता है, और जो मल यहाँ पे पच करके या अपचक जिस स्थिति में आती है उसे बाहर निकालने का कार्य यही है।
यहीं पे विटामिन डी और अन्य महत्वपूर्ण और भी हमारे विटामिन होते हैं ई, इन सब का यहाँ पे क्या है अवशोषण एब्जॉर्बेशन भी यहाँ पे संभव होता है। इसके साथ सबसे इसका जो महत्वपूर्ण कार्य मल को बाहर निकालना ही है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रख लीजिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन कॉन्स्टिपेशन का मूल कारण नहीं होता। इसका कारण जो है लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है। जब कभी हमारे पास जब होता है कॉन्स्टिपेशन तो हम लोग कहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, नहीं, यहाँ पे होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इकट्ठा यहीं पे होता है हमारा मल। कॉन्स्टिपेशन का मूल कारण जो है ऊपर के ऑर्गन्स है। छोटी आंत को यदि छोड़ दें तो आप पेंक्रियास, स्टमक, लीवर और इन ऊपर हमारा क्या है आपका ये स्प्लीन, इन सभी ऑर्गन्स को आपको चेक करना चाहिए। अगर लीवर ने सही तरह से कार्य नहीं किया तो भी कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टमक में एसीएल नहीं बना तो भी, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस नहीं आया तो भी डाइजेशन नहीं होगा, और जाकर कॉन्स्टिपेशन होना तो बड़ी आंत में है ही। इसलिए साथियों कॉन्स्टिपेशन को यदि जड़ से समाप्त करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऊपर के बॉडी पार्ट का ट्रीटमेंट साथ में देना चाहिए। इसके साथ तो ट्रीटमेंट देना ही देना है, साथ में इसके साथ साथ अपर बॉडी पार्ट भी आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब इसके बाद इंटेस्टाइन हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत को हम लोग देखते हैं छोटी आंत किस प्रकार से बन रहा है। देखिए मैंने कहा था ना जैसे स्टमक हमारा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, स्टमक हमारा है, देखिए स्टमक से ये है डिड्यूनम का पार्ट जो सी की आकार घोड़े के नाल की आकार के है ना, दैट इज ए आपका ये किसी कहेंगे हम लोग दिस इज ए डिड्यूनम। और ये ड्यूडेनम के बाद देखिए ये बड़ी आंत के अंदर से ही ये छोटी आंत इधर आती है। देखिए बड़े ध्यान से देखिए, मैंने स्पष्टता देने का प्रयास किया यहाँ पे, और ये नीचे से इस तरह से मूवमेंट करता हुआ, ये मूवमेंट किया मुड़ता हुआ ऐसे घूमते घूमते, कर्सर को देखने का प्रयास कीजिए, ऐसे घूम करके देखिए पूरे के पूरे एरिया कहीं नहीं छूटा है, ऐसे घूमते 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 और ये आकर के सीकम वाले पार्ट पे जा करके मिल गया है बड़ी आंत। इसका काम जो मित्रों स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क जो है, जो ऊपर के जो हम कुछ भी खाते हैं फल फ्रूट्स जो भी हमारा डाइट है आहार है, उसमें विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स या केमिकल्स या फिर रस जो जूस मिलते हैं यहाँ से, वो सब मिल करके यहाँ पे आता है, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस मिल जाती है, लीवर से बाइल डक्ट पित्त बन जाती है, और स्टमक से एससीएल का निर्माण यहाँ पे सबको मिला करके उस भोजन के साथ यहाँ पे छोटी आंत भेज दी जाती है। और यहाँ पे मित्रों उसका पूरे पूरे केमिकल रिएक्शन जो होता है वो लीवर में होकर के फिर यहाँ पे आ करके ये भोजन यहाँ पे क्या होता है, जो भी टुकड़े में टूटते हैं तो यहाँ पे विटामिन प्रोटीन मिनरल वाटर सब यहाँ पे क्या है चूसक लगे हुए हैं, वे उसे क्या कर रहे हैं एब्जॉर्व कर लेते हैं, चूस लेता है हर प्रकार के जो जो भी इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है फैट विटामिन है जो कुछ भी है सबको क्या करता है चूस लेता है और एब्जॉर्ब करके क्या करता है ब्लड में मिला देता है। ब्लड देन जाता है आपको ये लीवर में, लीवर में जो केमिकल्स होते हैं इसके अंदर में उसको फिल्टर होता है, और वहीं से फिर क्या है वो सारे बॉडी के कहाँ चले जाता है हार्ट लीवर में या सॉरी हार्ट में लंग्स में किडनी में ये सब जगह फिर क्या है फिल्टर होना शुरू हो जाता है। तो महत्वपूर्ण हमारा काम स्मॉल इंटेस्टाइन का है, क्योंकि हमारा सेंटर पार्ट में हमारा नाभि यहाँ पे है, जैसे पहले भी चर्चा किया था नेवल पार्ट सेंटर में है, तो इसके आसपास के एरिया यहाँ पे है विटामिन के विटामिन सी बहुत सारे चीज जो हमारा विटामिन होते हैं वो ये नाभि के आसपास, विटामिन डी भी कहा गया है, ये सभी यहीं पे उसका निर्माण भी होता है। तो इसलिए हमें ये छोटी आंत महत्वपूर्ण है, तो हमें नेवल को भी बैलेंस करना चाहिए। मैं नेवल सेटिंग के बारे में एक अलग से इसमें सीरीज तैयार करूंगा, तो आप अगले सीरीज में या सिर्फ दो तीन सीरीज के बाद आप देख पाएंगे इसको। तो ये तो आप क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे बड़ी आंत मिल जाने के बाद फिर जो बचा हुआ जल जो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है उसका एब्जॉर्बेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और मल को धीरे धीरे करके बाहर निकालता है। इसका ओरिजिनल फोटोग्राफ देखिए साथियों, ये देखिए इसी को मैं बताया था, ये हमारे स्टमक था, स्टमक के जस्ट नीचे थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया यहाँ पे हमने, तो इसको यहाँ से इस तरह से घूमते 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 मूवमेंट कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि आपने उसमें मूवमेंट अलग था इसका मूवमेंट अलग है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि काफ़ी लंबा है ये, तो ये मूवमेंट इस तरह करते हुए आप यहाँ ला करके इस जगह पे कोई एरिया नहीं छूटनी चाहिए, और आकर मिलाना आपको यहाँ पे है लार्ज इंटेस्टाइन पे ही मिलाना है उसको।
कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ लास्ट हो रहा है, इसका ध्यान रखिए। बीच का मोमेंट तो आप कैसे भी उसको दे दीजिएगा, है ना कमाल का ये। और जैसा हमारा बॉडी में है वैसा ही कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर हमारा बड़ी आंत और छोटी आंत हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण पार्ट है। और यही इसका अंतिम में बड़ी आंत को हम कह सकते हैं लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो भोजन डाइजेस्ट होकर के यहाँ से मल के रूप में बाहर निकल जाता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर फेंक दिया जाता है। अब इसका थेरेपी कैसे होगी, किस तरह से थेरेपी दिया जाएगा? वैसे नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन होता है, हमें इसमें ब्लू कलर या ग्रीन कलर का हम लोग प्रयोग इसमें करते हैं। अगर बड़ी आंत में कॉन्स्टिपेशन है हो रही है तो अगर मान ले जाए अगर व्यक्ति को एक पेट साफ नहीं, बिल्कुल टाइट मोशन है, तो इसमें इसी एरिया पे पूरे पूरे ब्लू कलर हम लोग इसमें भर देते हैं हाथ की हथेलियों में। और यदि व्यक्ति को दो या तीन बार मोशन जाना पड़ता है तो हम इस पे ग्रीन कलर लगाते हैं। क्यों? ग्रीन वायु तत्व का प्रतीक है, तो ग्रीन कलर लगाने से इसका मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट? पैराटेलसिस मूवमेंट। जी हाँ, पैराटेलसिस मूवमेंट बढ़ जाता है, फिर ये मल साफ होता है। लेकिन इससे पहले मैंने चर्चा किया था कि बड़ी आंत का कारण हमारा क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है, ऊपर के बॉडी आर्गन का भी हमें ट्रीटमेंट जरूर दिया जाए। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, आप जरूर देख लीजिए लीवर में किसी तरह फैटी लीवर या आपका लीवर ब्लड स्टेसिस की कोई मामला तो नहीं है, या व्यक्ति को पेंक्रियाज में किसी प्रकार के इंसुलिन वगैरह निर्माण में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, इन सबको जरूर देख लीजिए। साथ साथ में आप यहाँ जो कलर मैंने कहा उस कलर को लगाइए, या इसको सिंपल वे में आप हाथ में ऐसे मसल ली रहे जैसे तंबाकू खाने वाले खाते हैं, या ऊपर से ताली बजाइए इसको इस तरह से, तो भी ये बॉडी पार्ट का क्या होता है, पूरे पूरे मसाज हो जाता है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ये ऐसे करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपका पेट साफ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। इस तरह से आप बहुत कुछ अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब देखिए साथियों, इसी को पूरे होल आपका एब्डोमिनल को देखिए आप, जिसमें मैंने आँख, देखिए यहाँ पे आँख, कान, नाक बहुत अच्छा लग रहा है ना देखने पे। बस अर्थ यह है कि इसको झुका हुआ इतना ना, इसको काट करके यहाँ से यदि लंग्स वाले एरिया को ऊपर लगा दिया जाए तो बिल्कुल हूबहू ह्यूमन बॉडी दिखेगा आपको। चूंकि सुजोग में प्रोफेसर पार्क जेऊ ने इस प्रकार की परिकल्पना की है, इसलिए हमको इसी तरह यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ गले में थायराइड, पैराथायराइड से लेकर के यहाँ ट्रेकिया वगैरह, हार्ट है, लंग्स, और इसको हम अगर सीधा कर लें उसके बाद देखिए स्टमक, स्प्लीन, लीवर, पिंक्रियाज और बड़ी आँत, छोटी आँत, ये सारे के सारे हमने यहाँ पे बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको देख करके, और इसके साथ साथ साथियों मैंने आपके लिए बगल में देखो एक ह्यूमन बॉडी भी यहाँ कर तैयार कर दिया है। क्यों? ये इसलिए तैयार किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सादृश्यता इसे कहते हैं, समान आकार प्रकार की वस्तु में समान ऊर्जा का होना, सिमिलर स्पिरिट्स लिव इन सिमिलर शेप। मैंने जब सादृश्यता सिद्धांत पढ़ाया था आपको यही थ्योरी चर्चा की थी, और आज देखो कंप्लीट एरिया मैं दिखा रहा हूं आपको, सादृश्यता का पूरे पार्ट दिखा रहा हूं, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों ही पार्ट आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। अब ये आप देख पा रहे हैं तो ऐसा ही सेम फोटोग्राफ अगले स्लाइड में देखिए, आप देख पा रहे हैं इधर पैर का है, हाथ का है, दोनों हाथ और पैर, सु एंड जोक, सुजोक का पूरे पूरे कोरेस्पोंडेंस आप देख पा रहे हैं। जैसे कहा ना, सू मीन्स हाथ, पाम हाथ की हथेली, और जोक मीन्स पैर का तलवा। साथियों दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है, देखिए आप, बस अर्थ थोड़ा सा है, बनावट में फर्क है, हथेली की बनावट अलग है, पैर की तलवे की बनावट अलग है, लेकिन आप ट्रीटमेंट दोनों में दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मैंने कहा था, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी थ्रू है कि पैर में कब दें ट्रीटमेंट और हाथ में हथेली में कब दें, तो पैर में मित्रों मैंने कहा था कुछ लोग डायफ्राम से बिलो मानते हैं और कुछ लोग नाभि से, कोई दिक्कत नहीं। अगर नेवल सेंटर बॉडी पार्ट है हमारा तो नेवल से नीचे के बॉडी पार्ट का ट्रीटमेंट पैरों में दीजिए, अपर बॉडी पार्ट का ट्रीटमेंट हथेलियों में दीजिए, राइट साइड का बॉडी पार्ट ट्रीटमेंट राइट हैंड में दीजिए, लेफ्ट बॉडी पार्ट का ट्रीटमेंट लेफ्ट हैंड में दीजिए। दिस इज ए प्राइमरी कोरेस्पोंडेंस। अगर सेकेंडरी भी यूज करते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ता है, इसलिए आप सेकेंडरी भी यूज कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ दोनों हाथों में एक साथ ट्रीटमेंट लगाइए ना, क्या दिक्कत है।
यदि दिक्कत है तो एक ही हाथ को चूज कर लीजिए, कोई भी बात नहीं है, थोड़ा सा धीरे से काम करेगा बट काम जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये हमारे कोरेस्पोंडेंस का ये जो एपिसोड है, और इसके बाद हम और भी एपिसोड देने वाले हैं जिसमें हम किडनी के बारे में चर्चा करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपको मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा। आप इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर करें, जन जन का ये चिकित्सा बने। मैं चाहता हूँ कि आप सब पूरे भारतवासी देखें इसको और सीखें भी और थेरेपी इसका यूज़ करें, अच्छा लगेगा जब सभी लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन और सभ्य समाज, ये 21वीं सदी की परिकल्पना है। धन्यवाद, प्रणाम।